तो हेलो गाइस, मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है। देखिए कैसा लगता है मॉर्निंग का नज़ारा यहाँ पे। पहाड़, वाह नाइस, क्या नज़ारा है। सुबह के 8:30 बजे हैं और ये नज़ारा है ना। तो गाइस ये देखिए, मॉर्निंग की शुरुआत तो हो चुकी है और यहाँ से मूव कर रहा हूँ मैं। अब जाना है आगे की तरफ। देखिए कितना प्यारा है इलाका। ये देखिए पहाड़, बिल्कुल बढ़िया एरिया पहाड़ों वाला, नाइस। देखिए इस रास्ते से आया था, कुछ ऐसा है यहाँ पे रास्ता, और ये रास्ता इधर जाता है, ये इधर और ये इधर, और यहाँ से सीधा भी जाता है ये रास्ता। कुछ ऐसा है नज़ारा है यहाँ पे बढ़िया। नाइस विलेज सर्दी। तो फाइनली बस का वेट कर रहा हूँ। ये देखिए ये सामने पीछे बस दिख रही होगी आपको, बैक कर के दिखा देता हूँ। ये बस आ रही है हमारी, तो इस बस में जाना है। तो आई एम ट्रैवलिंग फ्रॉम सर्दी टू रामपुर। देखिए पहाड़ को छोड़ के जा रहा हूँ मैं और दूसरे पहाड़ में जा रहा हूँ, वहाँ पे भी पहाड़ी है। वाओ नाइस, माय बस इज कमिंग। ये बस में बैठने के जस्ट 10 सेकंड के बाद का व्यू है। यहाँ पे देखिए छोटे छोटे मंदिर है बहुत सारे। जय हो श्री सर्व सिद्धि साधना मोक्ष धाम, जैसा ही आपको दिखाया था मैंने पिछली बारी। तो ये देखिए अच्छा एरिया, टेलर्स भी हैं यहाँ पे मस्त वाले, सब बढ़िया। तो ये देखिए गाइस, वो एक बस गई और ये दूसरी बस आ रही है, ये शायद रामपुर वाली बस है। तो गाइस इसी में बैठना पड़ेगा मुझे, तो कुछ सही आज लिख रखा है इसमें, रामपुर काठमांडू लिख रखा है इसमें। तो ये है अपनी बस रामपुर वाली, मस्त है। देखो पुराने घर, मेरा कैमरा स्टेबल इसलिए नहीं है बिकॉज ऑफ बस मूव कर रही है लगातार। ये देखिए गांव, इस गांव में देखिए कितने अच्छे अच्छे फूल हैं। देखिए ऐसा है गांव का जीवन।
बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं वहाँ पे जंगलों में। उन्होंने बना रखा अपना फुटबॉल खेलने का, वो दिख रहा होगा आपको। तो मैं आगे बैठा था, आगे से ना आगे का व्यू ही दिख रहा है, साइड का इतना नहीं दिख पाता, तो यहाँ से बल्कि सही दिखेगा आपको व्यू। ये देखिए लकड़ियाँ लोगों ने जोड़ रखी है, काट रखी है उसके लिए, जलावन के लिए। ये देखिए ये रास्ता मुड़ गया, तो हमारी बस भी इधर ही मुड़ गई। काफ़ी ऊपर है, क्रिकेट खेल रहे हैं बच्चे, तो फुटबॉल खेल रहे हैं बच्चे, यहाँ से दिख रहा है। देखिए लाल, और ये देखिए ये देखिए आपको स्टेप बाय स्टेप दिख रहे होंगे खेत। पे आ चुके हैं हम ऊपर की तरफ, और ये नीचे नीचे का एरिया। तो इस इलाके में चलने के लिए तो शायद 400 सीसी से ऊपर ही होनी चाहिए बाइक, जो मैंने देखी है ना ट्रैम्प, शायद उसी को लेना पड़ेगा मुझे लग रहा है, या तो ड्यूक, ऐसी बाइकें कामयाब है यहाँ पे ऑफ रोडिंग के लिए। की तरफ देखने पर इतना देखेगा इस खाई पूरी की पूरी नीचे। चलना बंद कर दिया, बड़ी मुश्किल से चल रही है बस, यहाँ नहीं चला सकता मैं अपनी गाड़ी उड़ी। देखिए कैसा रास्ता था, ये देखिए वो वाला रास्ता जाना है अभी तक। ये चल रहे हैं अभी काम, ये देखिए ऑफ रोडिंग पूरी की पूरी ऑफ रोडिंग, ये बस से कर रहा हूँ मैं ऑफ रोडिंग। फिर देखिएगा इस पूरा पूरा पहाड़ देखे काट के क्रास के बना रखा है। देखिए यहाँ पे टिप्पर भी चल रहे हैं, ये देखिए कैसे कैसे था एरिया, दिल दहलाने वाला एरिया है गाइस। ये देखिए पहाड़, चोटी पे तो आए नहीं अभी हम, बट जा रहे हैं चोटी के लिए। ये देखिए भाई
हूँ यहाँ पे। ये सारी की सारी वीडियोस देख रहे हैं आप ट्रैपोटर चैनल पे। देखिए पूरा का पूरा ऑफरोडिंग वाला रास्ता था। देखिए बस को भी पहले गियर में चढ़ने में बड़ी दिक्कत हो रही है, पहले गियर से ऊपर तो चल ही नहीं सकती है। ऐसे इलाकों में भी बस चलती है, सोचा नहीं था मैंने कभी। लेकिन नेपाल है तो सब पॉसिबल है। नाइस, क्योंकि ऐसा है कुछ जो कि मैं कहता उधर की साइड नहीं दिख रहा, तो ऐसे कटे हुए पहाड़, कहीं पे पथरीले हैं कहीं पे मिट्टी वाले हैं, तो ऐसा कुछ। देखिए जगह है नेपाल में। अगर आप आते हैं नेपाल में नवलपरासी एरिया में, सर्दी से रामपुर का रास्ता है, तो ऐसा रास्ता आपको यहीं पे मिलेगा जो कि ऑफ रोड से भरा हुआ पूरा। देखिए माउंटेन्स दिख रहे हैं काफ़ी बड़े बड़े। नीचे से आए थे हम लोग, तो देखिए नीचे से आए थे ऊपर पहुंच गए हैं, अभी और ऊपर जाना है। वो देखिए गाइस कहाँ कहाँ पे जाना है, पूरे पहाड़ क्रॉस करने हैं अभी तो। ओह माय गॉड, रास्ता दिख रहा होगा आपको थोड़ा थोड़ा, तो वहीं से आए थे हम लोग। ये देखिए पहाड़ ऐसे हैं, ऐसी खड़ी चट्टान है ये सारी की सारी ऑफ रोडिंग। ओ वो भाई साहब, दिस इज कॉल्ड एज ऑफ रोडिंग। तो यहाँ पे ऑफ रोडिंग में देखिए पूरी बसें चलती हैं, ट्रक चलते हैं, टिप्पर चलते हैं,
देखिए, ये चलते हैं। पूरी जान लग रही है बस को चढ़ने में। कटे हुए पहाड़ सारे के सारे, लेयर लेयर में कटी हुई है पहाड़। तो लेयर को बनने में हजारों साल लगे हैं, हजारों आई थिंक करोड़ों साल लग सकते हैं इनको बनने में। तो ये ऐसे कुछ दिखता है स्टेप बाय स्टेप। अगर आप भूविज्ञान से रिलेटेड हैं तो आपको पता होगा क्या है। पहले पथरीली मिट्टी, फिर मृदा वाली मिट्टी वाली लेयर आ जाती है। ये पथरीली है, इसके नीचे मिट्टी वाली। ये देखिए पहाड़ का पत्थर किसी भी टाइम खिसक सकता था वो, तो जब भी खिसकेगा तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे है, अगर कोई दिक्कत होगी तो यहाँ पे रखा भी हुआ है पहाड़ के पत्थरों के लिए। ये देखिए ये रखी है क्रेन जो कि हटा देगी उसे। वो क्रेन शायद से टाइगर सीमेंट फैक्ट्री वालों की तरफ से रखी हुई है ताकि कोई दिक्कत ना आए। ये टिप पर चलते हैं ना सीमेंट फैक्ट्री के लिए, ये वाले तो इसीलिए रखी हुई है। पूरा पूरा नज़ारा है। ये लेयर्स देखिए, ये देखिए कैसा रास्ता है। बिल्कुल ऑफ रोडिंग लवर्स के लिए बिल्कुल बेस्ट रास्ता है। यहाँ पे स्लीपर भी है, स्लीपरी भी है। वो देखिए ऐसे ऐसे पहाड़ते हैं वहाँ पे। देखिए पूरा उछल चुकी है बस। अब ये देखिए मैं आ चुका हूँ इस साइड। वो देखिए एरोप्लेन जा रहा है, रॉकेट। ये देखिए गाइस, ओह माय गॉड, डर लगने वाली जगह है ये तो। वो देखिए एयरप्लेन ऊपर और हम नीचे। हम भी इतना नीचे नहीं है लेकिन हम भी ऊपर है पर्वतों के पास। ये देखिए माय गॉड, देखिए यहाँ चलने के लिए तो 250 cc से नीचे बाइक लेने का फायदा नहीं है। देखिए बादलों के ऊपर आ गए हम, ठंडी हवा महसूस हो रही है यहाँ पे तो। ये देखिए ना बादल बादल जैसा लग रहा होगा आपको भी। बादल महसूस हो रहे हैं आपको, देखिए गाइस यही तो है नज़ारा जो मैं दिखाना चाहता था आपको। यस, बढ़िया व्यू मिल गया यहाँ से, एकदम बढ़िया। ये नीचे से आए थे हम लोग, वो देखिए रास्ता भी दिख रहा होगा आपको। देखिए कितने लेयर्स हैं पहाड़ों के। किस तरह तराष्ट्र उसके पहाड़ को काट कोट को बनाया गया है, रोड ऑफ रोड।
तक पहाड़ है, जहाँ आपकी नज़र पड़ती है वहाँ तक पहाड़। तो ये देखिए गाइस, और ऊपर की तरफ जाना है, ऐसा रोड है। मैं जटपट जोत्सर को एक सलाह दूंगा कि इस रोड से जाएं, अगर वो करते हैं यहाँ पे ऑफ रोडिंग तो नज़ारे मस्त हैं। नेपाल में टूर लगता है ना उनका। खाई आगे पूरी नीचे खाई है, ये साल के पेड़ है सारे के सारे। ओह हो, बड़े बड़े पत्थर, ये कैसा है। अच्छा देखो त्रिशूल बने हुए थे, देखिए भाई अच्छे वाला। आपको दिखाया था मैंने नीचे से आए थे हम, जहाँ पठार वहाँ से आए थे हम लोग, यहाँ से शायद वो सीमेंट की फैक्ट्री दिख जाएगी आपको, सीमेंट की फैक्ट्री से चढ़े थे। ओह माय गॉड, ओह क्या नज़ारा है, नाइस व्यू, पूरा का पूरा बढ़िया नज़ारा है यहाँ से गाइस। देखिए एक और जहाज गया ऊपर से, मेरा मोबाइल पूरा धूल से भर गया है बिकॉज ऑफ ये रोड ही ऐसा है। जरा मुस्कुरा दिए थे वो भी हमारे कैमरे की तरफ देख के। देखिए गाइस हम अभी इस टाइम पीक पे है, अब नीचे की तरफ जा रहे हैं। यस दिस इज अ पीक पॉइंट। वो भी रास्ता जाता है उधर, अब ये नीचे की तरफ जा रहे हैं। पीक पॉइंट खत्म हो गया है यहाँ से, अब दूसरी पहाड़ी क्रॉस करनी है। वो देखिए गाइस वो भी जा जा रहे हैं, देखिए पहाड़ देख रहे हो वहाँ पे सामने, बिल्कुल गंजा पहाड़ है। ये देखिए गाइस तो ऐसे पहाड़ है, देखे गांव, गांव का जीवन कितना अच्छा है, कितने अच्छे अच्छे घर, कितने अच्छे घर लग रहे हैं।
देखिए दिख रहे हैं मुझे, वाओ। वो देखिए पहाड़ी बिल्कुल पीछे, आई थिंक हिमालय की पहाड़ी है वो। तो देखिए गाइस अब यहाँ से चल रहे हैं फाइनली टिप्पर्स। तो ये निकल चुके हैं नीचे की तरफ, ये देखिए कैसा रास्ता है। बहुत ही डेंजरस रास्ता है गाइस, ये स्कूल है बच्चों का। वाह, तो ऐसे एरिया में छोटा सा गांव है बस, लेकिन स्कूल बना रखा है। देखो कितने अच्छा अच्छा बना रखा है, पत्थर का घर और ये बांस। तो ये ऑफ रोडिंग का रास्ता है, इसलिए मेरा कैमरा ऊपर नीचे कर रहा है, स्टेबल नहीं है। देखिए गाइस शायद से उस पहाड़ पे जाना है, वो वाले ऊपर वाले। तो यहाँ से आए थे हम, उस पहाड़ से आए थे, उस पहाड़ियों से पीछे से। तो देखिए गांव का जीवन कहाँ तक फैला हुआ है, कितने ऊपर भी आके बैठ जाते हैं। ऑफरोडिंग करने के लिए अगर आना पड़ेगा करनाल से, तो आई थिंक 1200 किलोमीटर आना पड़ेगा, तब जाके ऑफरोडिंग है। ओए ओए क्या खुशबू है गाइस पहाड़ों की, मस्त खुशबू। सीढ़ीदार खेत, वो स्कूल था और ये सीढ़ीदार खेत है यहाँ पे। दिख रहा है रोड आपको, ये देखिए कैसे कैसे काम कर रहे हैं ये लोग। ये देखिए एकदम तेरे वो मोड, ओहो कैसा मोड है। ये देखिए पीछे से आ रहा है, हम जा रहे हैं आगे की तरफ। बिजली की तारों को देखिए लेबर, तार पकड़ के खड़ी है, जिसका कि कोई मतलब नहीं है इस टाइम खड़ी होकर पकड़ना। देखिए लेबर वो ऐसे भी काम करते हैं गाइस, बच्चों को साथ में ले लेंगे काम। माय गॉड इतनी इतनी हिम्मत कहाँ से लाते हैं ऐसी हिम्मत। सीढ़ीदार खेत कितने अच्छे लग रहे हैं, फिर से एक और मोड़, तिरव मोड़।
जी। सारा पत्थर गिर रखा है यहाँ पे इनका, तो फिर से पानी की टंकी ऐसी होती है पानी की टंकी यहाँ पे। तो देखिएगा हम उस पहाड़ से आते हैं, ऊपर से अब नीचे आ रहे हैं। देखिए गाइस टायर में कुछ पत्थर अटक गया है, तो उसको निकालने की कोशिश की जा रही है। कैसे कर रहे हैं लोग, हो गया निकल गया। तो देखिए गाइस धान कुटाने के लिए ऐसे जाते हैं लोग यहाँ पे। अरे अभी पीछे से ओवरटेक कर लिया, ये बड़ी फास्ट चलते हैं, बस से तो फास्ट ही चलते हैं। देखे क्या जा रहा है, ब्रेक मार मार के। कितनी जल्दी पहुंच गया वो, ये देखिए गाइस फाइनली बस आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। देखिए नदी नीचे, ये तगड़ी वाली नदी जा रही है, इसमें ये नहा सकते हैं। देखो और ऊपर गंजा पहाड़। तो गाइस फाइनली हम नीचे आ गए, ये देखिए एक पुल जो कि लोहे का बने हुआ, लोहे का पुल है। यहाँ से इधर की साइड से उधर जाना, और देखिए कितना अच्छा गांव है ये, उधर गांव। देखिए ऐसा रास्ता है यहाँ पे, यहाँ पे तो कैफ़े चल सकता है अच्छे से, छोटा सा कैफे होना चल सकता है, लेकिन गांव घर के लोगों को कैफ़े की जरूरत ही नहीं है। इधर टूरिस्ट प्लेस के लिए होता है ये सब, कैफे हो गया, इधर हो गया, वो हो गया। शायद स्टॉपेज हो जाएगा हमारा थोड़ी देर का। ये देखिए यहाँ से उसका रास्ता, मुझे पता नहीं कहाँ से, लेकिन ये पुल ये नीचे की तरफ आ गया हम बिल्कुल, और ये ऊपर मतलब ये ना बिल्कुल नीचे की तरफ है। इनको अगर कहीं जाना है तो ऊपर ऊपर से जाना पड़ेगा। और ये देखिए इतना अच्छा गाँव, सुंदर गाँव। तो इस सुंदर से गांव को क्रॉस कर रहे हैं वो। तो ठंड बढ़ती जा रही है, अब तो पूरा ठंड वाला मौसम हो गया यहाँ पे। आपको छोटा सा पुल है, देखिए गाइस वहाँ पे ऊपर सामने ट्रक जा रहा है, वहाँ पे जा रहा है हमने वाले रास्ते से। तो अभी नीचे थे, अभी ऊपर आ गए बस जल्दी से। ये देखिए खड़ी चढ़ाई अभी एक और, तो गाइस इससे ज़्यादा ऑफ रोडिंग क्या ही होगी, मेरे को तो लगता है इससे ज़्यादा भी कुछ ऑफ रोडिंग होती होगी। देखिए नीचे स्लिपरी एरिया, अगर बरसातों में तो शायद यहाँ पे चला भी नहीं जाता होगा, टायर स्लिप कर जाएंगे। फुल मेहनत चल रही है अभी, फुल 35 डिग्री पे हूँ इस टाइम मैं,
बैक सीट की पोजीशन मेरी 35 डिग्री पे थी। ये देखिए कोई बात हो जाए, कोई पर्वत पर्वत गिर जाए नीचे तो ये है। दुकान देखिएगा यहाँ पे किस जगह पे नीचे बिल्कुल खाई है। तो कुछ ऐसे पर्वत आ गए हम, वो गंजा पहाड़ अभी भी नहीं आया। देखिएगा इस टनल, एक टनल है वहाँ पे। देखिए गाइस पूरे टॉप पे जा रहे हैं। ये ट्रक ट्रिप पर ये बड़े बड़े पत्थर ढोते हैं ये गाड़ियाँ। देखिए कितने ऊपर जाना पड़ रहा है, संघर्ष करना पड़ रहा है। भाई साहब वो देखिए ढलान इधर ही होगी, आपको अच्छे से देख लीजिए। देखिए भाई ये देखिए नीचे, ओहो हो हो पूरी पूरी खाई है। तो गाइस आई थिंक यही है वो गिन गया था। देखिए यहाँ से तो फाइनली गाइस गंजा पहाड़ यही था। ये लाल लाल सा मिट्टी मिट्टी दिख रही थी वो, उसके चोटी पे तो गए नहीं। खैर हम फिर कभी आऊँगा तो आपको चोटी दिखा दूंगा। ये देखिए हरियाली पूरी इंदौर, हमारी यात्रा लंबी है अभी भी। तो देखिए एक और भैया वीडियो बना रहे हैं, बस खाली है पूरी। तो माने ड्राइवर थोड़ा सा 2 घंटे और उसके बाद आ जाएगा मेरा स्थान पहाड़। देखिए गाइस गंजा पहाड़ हो रहा, लेकिन वहाँ से नहीं आए थे हम, थोड़ा सा यहाँ से रास्ता मुड़ गया था। तो अभी अभी बाइक पे जाएंगे तब जाएंगे गंजा पहाड़ पे। ये देखिए भाई साहब नीचे बहुत सारी खाई पूरी तगड़े वाली। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, थैंक यू गाइस। देखिए यहाँ से बंजी जंपिंग हो सकती है, बंजी जंपिंग सॉरी ट्रैक लाइडिंग। सीधी खाई है वो, देखिए उधर से भागो भागो और सीधा नीचे। ये देखिए यहाँ से हो सकती है। यस क्या गजब है, नाइस। ये देखिए गाइस हिमालय, गाइस हिमालय ये देख रहे हैं माउंट एवरेस्ट का जो वो है हिमालय। देखिए सफ़ेद हिमालय पूरे सही दिख रहे हैं मुझे। तो गाइस ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओ माय गॉड थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो, थैंक यू गाइस। ये पूरी पूरी हिमालय की चोटी है। पूरा का पूरा पर्वत शिखर हिमालय, ठंडा ठंडा एरिया महसूस हो रहा है मुझे।